तो कॉकजिला भैया गेम में बन के घूम रहे हैं गॉडजिला और हमारे मित्रगण को किल फीड में कर रहे हैं लाल नीला और अब उनके स्प्रे के सामने हैं हम। तो कमेंट में जाओ और फटाक से बताओ कि क्या शेर के सामने दिखा पाएंगे वो अपना दम। और हम मिलते हैं इंट्रो के बाद। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ पे। चंद पपैया बोलो, चंद पपैया ओल्ड मशीन आता ना, देख लूंगा एक एक को अकेला आऊंगा। और ठीक है, वो लड़कियों का करो ना। अरे लड़कियों का, वो लड़कियों का आज लड़कियों का, हाँ वो कर रहे थे ना। अरे सब लड़की झूठती रहती है, इसको पत्ता मीज बत्ता में सुल्तान असली है, लोडा असली है, सवाल कर स्टिल सवाल कर। हे गाइस, क्या हालचाल, आई होप सारे सारे अच्छे होंगे। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर जिसमें तबाही हमें से दबा के होने वाली है यार। और तुमने गेम प्ले चालू होते ही बकायती सुन ली होगी, मतलब वो तो दबा के होने ही वाली है। और गेम प्ले के हालात देख के समझ में आ रहा होगा कि ये पुराना वाला गेम प्ले है, लेकिन कोई बात नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो तबाही इसमें हुई है ना, ये गेम प्ले देखने के बाद तुम कमेंट में ये लिख के जाओगे, देख लेना। तो फिर हॉट ड्रॉप क्या था, ओल्ड बेसिन जहां पास आराम से सामान लूट रहे थे और हॉट ड्रॉप में सिर्फ यहां पास एक सज्जन पुरुष आते हैं। अब बोल ना चादर मोर। Watch out! तो फटाक से इनको बजाते हैं, केडी मेंटेन करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। पहन लो सीट बेल्ट, पहन लो सीट बेल्ट, पहन लो। ओए तेरी, ओए गांजा गांजा। और प्लान तो आगे जाने का ही था, लेकिन जिस हिसाब से ड्राइविंग हुई है पद यात्रा की जाएगी। कौन ड्राइवर, कौन प्लीज एक बार बताओ मेरे को। आपका चरण ऊपर करो। चरण नहीं 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 नहीं, कुछ और, कुछ और, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये मेलडी थी, चॉकलेटी क्यों है? और पता नहीं क्यों उन लोगों का जो कन्वर्सेशन है वो कुछ ज्यादा अलग दिशा पे जा रहा है। तुम्हें भी ऐसा कुछ लग रहा है क्या? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो फटाक से आज स्किप मारते हैं और सीधे आगे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पास कुछ ज्यादा गलत सीन होने वाले हैं। भागा, 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 भागा। तो यहाँ पास आराम से ड्रॉप लूट रहे होते हैं, लेकिन किसी को ये चीज पसंद नहीं आती और वो भाई साहब स्प्रे करने लगते हैं। अब पता नहीं किस पर किया था, लेकिन किया तो था। और जब स्प्रे की शुरुआत कर ही दिया तो खत्म हम कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पास हम आराम से बंदों को बजा रहे होते हैं, लेकिन तभी हमको सामने से फायरिंग की आवाज आती है और हम समझ जाते हैं कि इनके दो यहीं पास आत्मा की तरह भटक रहे होंगे। तो फिर चलिए, फक फक फकीर बैठो। आओ फायरिंग है। और यहाँ पास तुम्हारे भाई के द्वारा एक बेहतरीन क्लच। और इसमें तारीफ करने वाली बात यह नहीं है कि इन चारों को बजा दिया, ना ना ना, इन चारों किल चोरों से बचाकर इन चारों को बजा दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर फटाक से लूट कंप्लीट करते हैं और तभी हमारे रावण भैया और गेमो भैया काफी जोर से चिल्लाते हैं, अरे पीछे पूरी स्क्वाड आगे बचाओ, अरे पीछे पूरी स्क्वाड आगे मेरे पास। तो फिर चलिए फटाक से सामने वाले बंदों को भी बजाते हैं। एक नॉक कर दे, एक नॉक कर दे, इधर देखो। ये होते हैं प्लेयर। अरे अरे बस बस बस, इतना भी कुछ खास नहीं था, मतलब ठीक है, हमें पता है कि हम प्रो प्लेयर हैं। हाँ ठीक है, इसे तारीफ बोलते हैं, मतलब देख रहा हूँ तुम्हारा भाई इन सब के सामने किल ले जा रहा है और ये बड़ी बात है, सालों में कभी कभी ऐसा होता है तो तारीफ कर लेनी चाहिए यार। तो फटाक से अपनी तारीफ को और इनकी बकैती को किनारे करते हैं और जब इस बार गाड़ी उठा ली है, तुमको बढ़िया फाइट दिखा दी है, तो फिर फैमिली में आने वाले रस्म कंप्लीट कर लेते हैं ना। जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब कर, माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू।
रोक ले रोक ले, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पास हमारे गेमो भैया किल की लालच में गाड़ी रुका देते हैं और अपना डिब्बा बनवा लेते हैं। और जिस हिसाब से यहाँ पास दंगे हो रहे हैं ना, हमारा डिब्बा बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सामने एक भाई साहब दिख रहे होते हैं, तो फिर बढ़िया से नेट कुक करते हैं और फिर चलते हैं। सीधी सी बात है, ये स्क्वाड के अंतिम तो होंगे नहीं, क्योंकि इनको नॉक करके पूरा खाया गया है, लेकिन चौथे का तो पता होता नहीं है। लेकिन तभी हमको सामने वाली विलेज से फायरिंग की आवाज आती है, तो हम इसके उठा के चल देते हैं। और यहाँ पास एक खतरनाक स्प्रे और सबको पौवा पौवा भर डैमेज दिया गया, लेकिन नॉक कोई भी नहीं हो पाता है और हमारा किल जरूर चोरी हो जाता है। और यहाँ पास एक बेहतरीन नशे, मतलब मैं मेलोडी भाई को बंदा समझ के उनको फिनिश कर रहा हूँ और पीछे से फिर धाएं धाएं धाएं। तो फिर चलिए अगले गेम प्ले में चला जाए। अरे स्पोर्ट आ जा, ले स्पोर्ट आ जा, मैं आऊंगा। तो बाकी सब तो एक नंबर था, लेकिन टीरेक्स लॉयर नहीं बोलना चाहिए था, मतलब हमको पंगे नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है, हम काहे पंगे लेंगे। लेकिन अब बोल दिया है तो चिकन लेके जाना ही पड़ेगा। और जो भाई साहब इतनी जोश में चैलेंज कर रहे थे ना, उनके पास कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसके कारण कॉन्फिडेंस इनटू 100 हो रखा था, समझ रहे हो ना। हमको डाउट हो रहा था पहले कि कोई इतना जोश में तो नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है क्या नहीं है वो बाद में देखेंगे, पहले गन मिल गई है तो रस करने चलते हैं। और ये भाई साहब जिस हिसाब से टीपीपी ले रहे थे, हम समझ गए थे कि ये कैंपिंग को सपोर्ट करते हैं, और हमारे पास हेलमेट वेस्ट है नहीं तो हम बैलों की तरह घुसेंगे नहीं। लेकिन अब हेलमेट वेस्ट मिल गया है तो फिर चलिए बैल बनते हैं। वाओ जल्दी से नोको, और जब घुटनों में भेज दिया है तो हॉल पे मजे लेना तो बनता है। तो फटाक से इनको बजाया, पूरा खाया और फिर इसकी उठाया और फिर सामने तबाही हो रही है। तो फिर सीधे वहीं चलते हैं मेरे भाया। एक सेकंड, यहाँ पास ध्यान से देखा, ये भाई साहब को जैसे हम नॉक करते हैं ये भाई साहब तूफानी रफ्तार से भागते हैं, और इन पे ध्यान देना, ये अब कहीं दिखेंगे नहीं तुमको। करेक्ट बोला रे। चलो रे आग लगा दे गुरु। पबजी लवर, चलो पबजी लवर पर हाई बंदे भाई, क्या किल करो तो कितने हैं? नेट कर रहा भाई। एक मैं बता रहा भाई। और जैसे इस बंदे ने ऑल पे ये बोला, मैं तुरंत समझ गया कि गेमो भैया काम अब होने वाला है। अरे अंदर अंदर
गॉडज़िला ओए ओपे आई ये कंटेंट मार दिया अरे वो देख कैसे बोल रहा है उसका टीमर देख कैसे बता रहा है उससे सट अरे वो अजीब लैंग्वेज बोल रहा है आती रूम ना हारो बना हारे या सारे हमको बिल्कुल ना पता था कि गेमों भाइयों की ये वाली भाषा भी आती होगी लेकिन बढ़िया बात करते हैं इस लैंग्वेज में कजा उसके बाद कभी कभी बढ़िया होता है जब लोग आपको ना पहचाने तो फिर पूरा नहीं खाते समझ रहे हो मतलब काली शक्ति वाले भाई साहब हमको बिल्कुल नहीं जानते थे और इससे बढ़िया क्या है हम बच गए और हमको कुछ नहीं चाहिए तो फिर जाकर फटाक से इनसे मजे लेते हैं और हम मजे लेंगे तो वो भी मजे लेंगे तो फिर आप भी मजे लीजिए कब तक हैक करेगा भाई साहब सबको दे रहा भाई गॉड ली बड़ी सॉलिड हम मजबूर है हम मजबूर है तो लाइव तेरे को पता क्या बोला है रुक जा बताता हूँ ये बोला तेरे को और मेलोडी को तो क्या बोला ओ रे भाई ये लेने वाला है झूठ में देख ये बोला देख तेरे को हाँ क्या बोला झूठ नहीं बोल रहा कसम से क्या बोला देख ले हाँ बोल दो और मेरे को तो बोल ही रहा है भाई लैंड को तो आदत है कोई दिक्कत नहीं है हाँ वैसे आदत तो हो गई है क्या है शेर शिकार करता है और फिर जिसका शिकार करेगा वो गाली तो देगा ही मतलब एक गेम प्ले में दो दो बार तारीफ कोई बात नहीं है उसके बाद पता नहीं हमारे गेमर भाई और मेलोडी भाई एकदम से ऑफलाइन हो जाते हैं और वो भी पानी के अंदर जाकर ये क्वालिटी बहुत अजीब थी और तभी हमको सामने बंदा दिखाई देता है तो हमने सोचा कि मजे ही ले लेते हैं और मजे लेने जा रहे थे लेकिन हमारे साथ ही मजाक हो जाता है और वो बंदा अभी तक रस करने नहीं आ रहा था लेकिन अब आएगा आ पर है नीचे जाओ नीचे जाओ और फिर बजाया जाएगा नहीं मतलब सॉरी बजाई जाएंगी उसके बाद फटाक से रिवाइव लेते हैं और इनकी पूरी स्क्वाड आ रही है तो फिर तबाही एंजॉय करते हैं और यहाँ पास हम बहुत बढ़िया काम करते हैं जो अपना किल सेव कर लेते हैं अब ऐसा हमने क्यों कहा तुम आगे देखो पहले इनको रिवाइव दे ले हेलो भाई हेलो हेलो बोल रहा हेलो भाई हेलो हेलो भाई हेलो 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 भाई लॉयन भाई लॉयन भाई हेलो हेलो और ये होते हैं हमारे फैमिली वाले और जब ये आ गए हैं तो रिवाइव तो देंगे ही लेकिन हमारा किल सेफ हो गया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद तभी एक गाड़ी के आने की आवाज आती है और आवाज के साथ साथ एक स्क्वाड भी आती है लगता है ये लोग टोनी भाई के कुछ ज्यादा बड़े फैन थे मतलब सब लोग एक तरफ से आयरन मैन लिख रखे हैं लेकिन यहाँ पास हम समझ जाते हैं कि दंगे होने वाले हैं तो हम धीरे से आगे निकल लेते हैं क्योंकि यहाँ पास दो हमारे फैमिली वाले और बाकी के दो बंदे और भी होंगे और उसके बाद जब तबाही शांत हो जाती है तो चारों गाड़ियां बैठाते हैं और लास्ट वाले भाई साहब बचे होते हैं तो उनको ढूंढने के लिए निकल लेते हैं और फैमिली वाले आए और किल चोरी ना करें ये तो हो ही नहीं सकता मतलब पता नहीं मेरे किल से क्या समस्या है इनको कोई बात नहीं है फैमिली वाले हैं तो फिर पैन फाइट की प्लानिंग बनती है तो फिर चलिए पैन फाइट करते हैं जाओ जाओ तुम जाओ जाओ अरे भाई उसके बाद इनके दूसरे वाले भाई साहब भी पैन फाइट करना चाहते थे तो हमने कहा चलिए शुरू करते हैं और फिर मिल गया चिकन डिनर तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चैनल में सब्सक्राइब पर माथा टेको घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा हार्ड है यार और हाँ सेकंड चैनल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में है जल्दी और सब्सक्राइब करो फॉलो करो क्योंकि बैकअप ऑलवेज रेडी तो मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केयर बाय बाय।